गौतम गंभीर फाउंडेशन को फेविफ्लू दवा की जमाखोरी का दोषी पाया गया। ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा। पत्रकारों पर दर्ज होने वाले राजद्रोह के मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज केस रद्द किया। केंद्र सरकार ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम के लिए किया वैलिड। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द, 100 साल में पहली बार हुआ ऐसा। कानपुर के हैलेट अस्पताल प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप, गायब कर दी गई मृतकों की फाइलें।